hello everyone welcome back to my youtube channel dipika Punj. this is me Deepika, pan student of class 9 and today i'm making a new video on class 8 science chapter number 8 which is cell structure and function so we will start this video today so before starting the video i would like to say to you all please like subscribe and share my channel and also press the bell icon for getting all the notifications so let's start सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विच इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्सन कोसिका सेल मीन्स इन हिंदी कोसिका सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग अराउंडर्स आर ईडर लिविंग और नॉन लिविंग तो आपने जैसे कि पहले ही पढ़ाई जो चीज़ें हमारे आस पास होती हैं वो या तो लिविंग होती है या नॉन लिविंग होती हैं फ़र्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गनिज्म कैरी आउट सर्टिन बेसिक फंक्सन और आपको ये भी याद होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गनिज्म होते हैं वो अलग अलग प्रकार के फंक्सन को कैरी आउट करते हैं कैन यू लिस्ट दीज फंक्सन क्या आप इन फंक्शन की लिस्ट बना सकते हो डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन परफॉर्म टू वेरियस फंक्सन यू हैव लिस्टेड तो बहुत सारे सेट्स ऑर्गन के सेट परफॉर्म किए जाते हैं बहुत सारे फंक्सन के द्वारा इन दिस चैप्टर यू सेल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज द सेल तो इस चैप्टर में आप ऑर्गन की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट के बारे में पढ़ेंगे जो सेल है सेल में भी कम कम्पेयर टू ब्रिक्स और सेल को हम ब्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं ब्रिक्स आर असम्बल टू मेक अ बिल्डिंग सिमिलरली सेल आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गनज जैसे हमारे ब्रिक्स होते हैं वो असेंबल होते हैं एक साथ एकत्रित होते हैं और एक बिल्डिंग बनाते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो एक साथ एकत्रित होकर हमारी बॉडी को बनाते हैं एट पॉइंट वन डिस्कबरी ऑफ द सेल कोशिकाओं की खोज रोबर्ट हुक इन सिक्सटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव ऑब्जर्व स्लाइसिस ऑफ कॉक अंडर सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस तो रोबर्ट हुक ने सिक्सटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव में ऑब्जर्व किए क्रॉक के पीसेस मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर कॉक इज पार्ट ऑफ द बाग ऑफ अ ट्री तो कॉक ट्री की बाग का एक पार्ट होता है ही टू दिन स्लाइसिस ऑफ काक एंड ऑब्जर्व दैम अंडर अ माइक्रोस्कोप तो उसने उन्होंने बहुत ही पतले टुकड़े लिए कॉक के और उन्हें एक माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया ही नोटिस्ड पासनाइज बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द काक स्लाइस फिगर एट पॉइंट वन तो उन्होंने उसके अंदर एक पासनाइज बॉक्सेस या कि कंपार्टमेंट जैसे देखे जैसा फिगर एट पॉइंट वन में दिखाया गया है फिगर एट पॉइंट वन इज़ सोइंग यू द काक सेल्स आर एज ऑब्जर्व बाई रोबर्ट हुक दीज बॉक्सेस अपेयर लाइक अ हनी कॉम तो ये जो बॉक्सेस हमने फिगर एट पॉइंट वन में देखे ये एक मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई दे रहे थे ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स एज सेपरेटेड फ्रॉम दी अदर बाई वॉल और पासन तो उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो एक और दूसरा जो हमारी वॉल्स हैं वो दोनों से डिवाइड है अलग अलग हैं हुक टर्म सेल फॉर ईज बॉक्स तो हुक ने हर बॉक्स के लिए एक नाम सेल दिया वट हुक ऑब्जर्व डेज बॉक्सिस और सेल इन द कॉक व एक्चुअली डेड सेल तो क्या हुक ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो uh, सेल्स थे कॉक um, में वो एक डेड um, सेल्स थे सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गनेज में कुड बी ऑब्जर्वड ऑनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूवड माइक्रोस्कोप लिविंग ऑर्गनेज में सेल्स को इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बारे ही ऑब्जर्व किया गया वेरी लिटिल वॉन नर्न अबाउट दिस सेल्फ फॉर द नेक्स्ट वन फिफ्टी ईयर आफ्टर रोबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन तो उस सेल्स के बारे में हम बहुत कम जानते थे रोबर्ट हुक की ऑब्जर्वेशन के बा सौ पचास साल तक टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूवड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन तो आजकल का जो टाइम है हम बहुत सारी बातें जानते हैं सेल्स के बारे में क्योंकि माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवड इम्प्रूवड हो गए आजकल के माइक्रोस्कोप उनमें हाई मैग्निफिकेशन होती है एट पॉइंट टू द सेल एट पॉइंट टू हम पढ़ रहे हैं कोशिकाओं के बारे में बोट ब्रेक इन द बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑगनीमा बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट फिगर एट पॉइंट टू ए एंड एट पॉइंट टू बी तो दोनों जैसा कि फिगर हम एट पॉइंट टू ए में दिखाए गए हैं ब्रिक्स एक वॉल में लगे हुए एट और फिगर एट पॉइंट टू के बी में ही हमें दिखाए गए हैं कि हमारे जो सेल्स हैं ऑनियन पील के अंदर जो सेल्स प्राप्त होते हैं वो दिखाए गए हैं तो दोनों ये सेम प्रकार के हैं और ये बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट कहलाती हैं दोनों चीज़ें The buildings are throw built of smaller brick have different designs, shape and size. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made आर मेड अप ऑफ तो जैसे कि जो हमारे ब्रिक्स होते हैं वो अलग अलग डिजाइन के बने होते हैं तो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से डिजाइन और सेप में एंड साइज में भी ऐसे ही जो हमारा लिविंग वर्ल्ड होता है उसमें जो ऑंगनीज के सेल्स होते हैं वो भी अलग अलग कोई छोटे होते हैं कोई बड़े कोई किसी सेप के होते हैं कोई किसी सेप के तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं सेल्स इन द लिविंग ऑर्गनिजमा कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स सो सेल्स जो लिविंग में पाए जाते हैं वो सेम टू सेम नॉन लिविंग ब्रिक्स की ही तरह होते हैं नॉन लिविंग ब्रिक्स आर एक अच्छा एग्जाम्पल है सेल्स के बारे में जानने के लिए सो पहली सेंग डैट अ हैंडसेग कैन बी सीन इजिली इट इज अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल तो एक मुर्गी का अंडा जो होता है वो हम बहुत इजीली देख सकते हैं तो पहले पूछना चाह रही है कि ये सेल है या फिर ग्रुप है सेल्स का द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इट इज़ बिग इनफ टू बी सीन बाय अनएडेड आइज तो जो हैन का एग होता है वो एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम अपनी आँख खुली आँखों से भी देख सकते हैं एट पॉइंट थ्री ऑंगनिज में सो वेराइटी इन सेल नंबर सेप एंड साइज तो 8.3 हम पढ़ रहे हैं ऑग्निज में जो अलग अलग वैरायटी के सेल पाए जाते हैं उनके अंदर जिन सेल की वैरायटी अलग अलग होती है सेप अलग अलग होते हैं और साइज़ भी डिफरेंट होते हैं हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल तो साइंटिस्ट ने कैसे ऑब्जर्व किया या स्टडी किया लिविंग सेल के बारे में दे यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट तो उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज किया जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के काम आता है स्टेन्स ड आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ ए सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्टेन्स स्टेन्स यानी कि धब्बे का यूज किया हमने सेल्स के पार्ट को कलर करने के लिए डिटेल्ड स्ट्रक्चर में दे आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑंगनी में और यहाँ बहुत सारे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑंगनी में इस दुनिया में रहते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट सेप एंड साइज तो अलग अलग सेप अलग अलग साइज के होते हैं दे ऑर्गन ऑल्सो वेरी इन सेप साइज़ एंड नंबर ऑफ सेल तो उनके ऑर्गन भी अलग अलग होते हैं सेल्स के सेप नंबर और साइज़ पे के अकॉर्डिंग लेट ए स्टडी अबाउट सम ऑफ दैम तो उनमें से कुछ के बारे में पढ़ते हैं नंबर ऑफ़ सेल्स कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन ए टॉल ट्री और इन अग एनिमल लाइक एलिफेंट तो आप गेस कर सकते हो नंबर ऑफ़ सेल जो प्राप्त होते हैं हमें या तो बहुत बड़े एक ट्री में या फिर एक बड़े जानवर जैसे कि एलिफेंट में द नंबर रन इन टू बिलियन एंड ट्रिलियन तो नंबर हम अगर हम गिन तो नहीं सकते लेकिन ये लगभग बिलियन या ट्रिलियन के आसपास होंगे ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियन ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज तो ह्यूमन बॉडी में भी ट्रिलियन सेल्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं शेप्स एंड साइज में डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन तो अलग अलग सेल के ग्रुप्स अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं करते हैं और बिलियन इज ये थाउजेंड मिलियन तो बिलियन थाउजेंड मिलियन का थाउजेंट टू व रूप है और ट्रिलियन इज ये थाउजेंड बिलियन ऐसे ही बिलियन का थाउजेंट रूप ट्रिलियन है ऑगनिज में अप ऑफ मोर देन वन सेल आरकॉन मल्टी सेलुलर वो ऑगनिज में जो एक सेल से ज़्यादा सेल्स से बने रहते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं मल्टी मैनी एंड सेलुलर सेल ऑगनिज में मल्टी मीन्स मैनी मल्टी को हम मैनी कह सकते हैं बहुत सारे और सेलुलर मीन्स सेल तो मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी सेल्स द नंबर ऑफ सेल बींग लेस इन स्मॉल ऑर्गनिज्म डज नॉट इन एनी वे इफेक्ट द फंक्सनिंग ऑफ द ऑर्गनिज्म तो अगर किसी छोटे प्राणी में कम नंबर के सेल प्राप्त होंगे तो उससे उसके जो बॉडी में फंक्सन फंक्शंस होते हैं तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा वो यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट एंड ऑर्गनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल बिगेन लाइफ एज सिंगल सेल विच इज ए फर्टिलाइज एग द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाई एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज अर डेवलप्ड प्रोसीड तो आप सरप्राइज हो जाएंगे ये जान के कि जो ऑर्गनिज में जिसपे बिलियन ऑफ सेल होते हैं वो उसकी लाइफ स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से वही जो सिंगल सेल होता है वो फर्टिलाइज एग होता है और वो फर्टिलाइज एग यानी कि सिंगल सेल बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है और वो मल्टी सेल्लो ऑगनीज में बन जाता है लुक एट फिगर एट पॉइंट थ्री ए एंड बी बोथ ऑर्गनिजमार मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल द सिंगल सेल ऑगनिजमार कॉल्ड यूनीलो यूनी वन एंड सेल्लो सेल तो फिगर एट पॉइंट थ्री में देखो हमें अमीबा एंड पैरामीशियम दिखाई गए हैं अमीबा एंड पैरामीशियम दे बोथ आर मेडअप ऑफ अ सिंगल सेल दे आर कॉल्ड यूनिसेलो मीन्स वन एंड सेलो मीन्स सेल सो यूनिसेलो मीन्स वन सेल्ड अ सिंगल सेल ऑग्नीज़ में परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलो में परफॉर्म तो एक ऑर्गेनिज्म होता है जो सिंगल सेल्ड होता है यानी कि यूनिसेलर एंड डिफरेंट दूसरे होते हैं हमारे मल्टी सेल्लोर तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी उतने ही नेसेसरी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जितने मल्टी सेल्लो ऑगनिज में परफॉर्म करते हैं और सिंगल सेल्ड ऑर्गनिज लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड डिस्पायर एक्सक्रीट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जैसे कि अमीबा डाइजेस्ट कर सकता है फूड को डिस्पायर कर सकता है एक्सक्रीट कर सकता है ग्रो कर सकता है एंड रिप्रोड्यूस भी कर सकता है

द टीचर मे सो अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा एंड पैरामीसियम अंडर अ माइक्रोस्कोप अल्टरनेटिवली द टीचर कैन कलेक्ट पॉन्ड वाटर एंड सो दि जॉन्गनिजमा बाई प्रिपेयरिंग द स्लाइड तो टीचर आपको स्लाइड को प्रिपेयर करके आपको अमीबा एंड पैरामिशियम दिखा सकते हैं पॉन्ड वाटर को कलेक्ट करके सेप ऑफ सेल रिफर टू फिगर एट पॉइंट थ्री ए हाउ डू यू डिफ़ाइन द सेप ऑफ अमीबा एंड फिगर तो एट पॉइंट थ्री ए फिगर को देखते हुए आप अमीबा को किस शेप से डिफाइन कर सकते हैं या किस फिगर से यू मे सेट देप अपेयर इरेगुलर तो आप कह सकते हैं कि जो सेप है इरेगुलर दिखाई देगा इनफैक्ट अमीबा हैज नो डिफिनइट सेप अनलाइक अदा ऑंगनिज तो अमीबा के पास कोई डिफिनाइट सेप नहीं होता है वो अपना सेप चेंज करते रहता है जैसे कि अदा उंगनीज में जैसे कि ह्यूमन के पास एक ही सेप होता है वो चेंज नहीं कर सकता बार बार इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स सेप तो अमीबा अपना सेप चेंज करते रहता है ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेयरिंग लेंथ प्रोटूडिंग आउट ऑफ बॉडी दीच आर कॉल्ड प्यूसोपोडिया प्यूसो एंड पोडिया एज यू लर्नड इन क्लास सेवेंथ तो जैसे कि हमारा जो हम कह रहे हैं कि ऑब्जर्व करो प्रोजेक्शन को वेरिंग लेंथ नापने को जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं एज यू लर्ट इन क्लास सेवन तो आपने जैसा ये सेवन क्लास में पढ़ा था दिज प्रोजेक्शन अपेयर एंड डिस्पेयर एज अमीबा मूव और फीड्स तो ये प्रोजेक्शन आपको कभी दिखाई देते हैं और कभी कभी डिस्पेयर हो जाते हैं जैसे ही अमीबा मूव करता है कभी अमीबा का सेप ऐसा रहेगा कभी कुछ चेंज हो जाएगा क्योंकि वो अपने सेब को चेंज करते रहता है सो so, पहली सेंग दैट वर्ड एडवांटेज डज अमीबा डिराइव बाई चेंजिंग सेप तो पहली पूछना चाह रही है कि क्या एडवांटेज मिलता है अमीबा को उसका अपना सेप चेंज करके सो भूजो वॉन्टिंग आंसर द क्वेश्चन ऑफ़ पहली भुजो इज सेंग दैट द चेंज इन सेप इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया विच फैसिलेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड तो सीडोपोडिया की वजह से अमीबा का सेप चेंज होते रहता है और भुजो बता रहे हैं कि ये उसको अमीबा को फूड को कैप्चर करने में बहुत हेल्प करता है और वाइट ब्लड सेल डब्ल्यू बी सी इन ह्यूमन एंड ब्लड इन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल तो डब्ल्यू बी सी जो ब्लड में प्राप्त होता है ह्यूमन ब्लड में वो एक एग्जाम्पल है सिंगल सेल का विच कैन चेंज इट्स अ सेप जो अपना सेप चेंज कर सकता है बट वाइल डब्ल्यू बी सी इज अ सेल अमीबा इज फुल फ्लैश्ड ऑर्गनिज में कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस लेकिन इनमें से जो हमारे डब्ल्यू बी सी है वो एक सेल्स से हैं और अमीबा एक फुल फ्लैश्ड ऑर्गनिज में है जो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है What shape would यू expect organism विद मिलियन ऑफ सेल फिगर 8.4 पॉइंट फोर ए बी एंड सी सो डिफरेंट सेल्स एज ब्लड सेल मसल सेल एंड नर्व सेल ऑफ ह्यूमन बींग तो फिगर एट पॉइंट फोर ए बी सी में हमें डिफरेंट सेल दिखाई जैसे ए हमारा फर्स्ट ए है तो दी जा रेड ब्लड सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बी दी जा स्पिडल सिव्ड मसल सेल्स डीज आर एंड द नर्व सेल इन द ह्यूमन बॉडी सो दिस फिगर टेलस दैट डिफरेंट ऑर्गनिज्म हैव डिफरेंट सेफड सेल मीन्स एक ही ऑर्गनिज्म जो हमारा ऑर्गनिज्म होगा ह्यूमन बींग हैव डिफरेंट सेफड सेल लाइक नो सेल आर ऑफ डिफरेंट सेप रेड ब्लड सेल डिफरेंट सेप तो ह्यूमन बींग्स में जो भी सेल्स प्रजेंट होते हैं वो अलग अलग सेप्स के होते हैं तो ये हेल्प करते हैं ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करने में और उसको कोऑर्डिनेट करने में कैन यू गैस स्विच पार्ट ऑफ दी सेल गिव इट गिव इट सेव कम्पोनेंट ऑफ दि सेल आर इंक्लूज इन अ मेम्रीन तो क्या आप गेस्ट कर सकते हैं कौन सा पार्ट है इस सेल का उसे सेव देता है कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इंक्लोज इन मेम्ब्रेन तो सेल के जो भी कंपोनेंट होते, होते हैं वो मेम्ब्रेन में इंक्लोज होते हैं दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड सेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल तो एनिमल एंड प्लांट सेल जो होते हैं उनको मेम्ब्रेन से प्रोवाइड करता है सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल सो सेल सेल वॉल एक एडिशनल कवरिंग है सेल मेमब्रेन के ऊपर प्लाट सेल में इट गिव सेप एंड रिगिडिटी टू दी सेल फिगर एट पॉइंट सेवन तो ये सेप और रिगिडिटी देता है इन सेल्स को जैसा फिगर हमें एट पॉइंट सेवन में दिखाया गया है बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैव अ सेल वॉल तो बैक्टीरियल सेल के पास भी सेल वॉल होती है साइज ऑफ सेल द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑंग मे बी अ स्मॉल एज मिलियन थ मीटर माइक्रोमीटर और माइक्रोन और मे बी लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर However, most of cells are microscopic in size and are not visible to unaided eyes. They need to be enlarged or magnified by microscope. The smallest cell is 0.12-0.5 micrometer in bacteria. The largest cell uh, measuring is 170 millimeter micrometer into 130 micrometer is the egg of an ostrich. तो जो साइज ऑफ सेल होते हैं वो स्मॉल होते हैं बहुत ही छोटे माइक्रो जिसको हम माइक्रोमीटर या माइक्रोन के उससे नापते हैं या फिर बहुत थोड़े सेंटीमीटर जैसे बड़े होते हैं सो so, इन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं तो हम इन्हें अनएडेड आइट से तो नहीं देख सकते हैं और सबसे छोटा सेल होता है बैक्टीरिया में पाया जाता है जो होता है जीरो माइक्रोमीटर से जीरो माइक्रोमीटर का और जो लार्जेस्ट सेल होता है वो ऑस्ट्रिच के एग एग होता है और वो वन माइक्रोमीटर इंटू वन होता है सो द ऑस्ट्रिस सेल इज द बिगेस्ट सेल एक्टिविटी बॉयल है रिमूव द सेल वट डू यू ऑब्जर्व अ वाइट मेटीरियल सराउंड येलो पार्ट वाइट मटीरियल इज एलिबियम विच सोडिफाई ऑन बॉयलिंग द येलो पार्ट इज यॉर्ग इट्स इट इज पार्ट ऑफ सिंगल सेल यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस तो एक मुर्गी के अंडे को बॉईल करो रिमूव कर दो बाहर के सेल को चिकल को तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो एक वाइट मटेरियल यल और एक अंदर का येलो पार्ट जो अंदर का येलो पार्ट होता है वो यॉक होता है जो एक सेल है सिंगल सेल है सो so, पहली जास्किंग आर द सेल इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स से इन ए रेड सो यू कैन आंसर कमेंट दी आंसर in in this com in this comment. You can comment the answer of this video in the comment section. So thank you for listening me. We will read the next part in next video. Thank you. So also please like, subscribe and share my channel. Thank you.